ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा पुलिस ने कॉल सेंटर में काम करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के इंदौर से की गई है। दोनों आरोपियों के नाम अरविंद चौहान 26 वर्षीय, तपेश शर्मा 22 वर्षीय है। ये लोग इतने शातिर थे कि सेंटर से कॉल कर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कहते थे। लालच देकर उनके पैसों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये दोनों मौज मस्ती करने के लिए ये काम किया करते थे। अब तक अलग अलग कई राज्यों में कई नागरिकों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। इसी तरह से कलवा के रहने वाले विलास राजाराम निवासकर से भी 2,16,000 रुपए की ठगी की है। ये लोग रिसर्च पैनल सिंगल स्टेप फाइनेंशियल सॉल्यूशन कॉल सेंटर के नाम से फोन कर लोगों को लालच देकर अलग अलग बैंक अकाउंट से पैसे मंगवा लेते थे। इसी बीच कलवा के रहने वाले विलास राजाराम से भी ठगी की, जिसकी शिकायत इन्होंने कलवा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि जिस कॉल सेंटर से फोन आया था उसका नंबर अब बंद है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने जांच में मध्य प्रदेश से दो लोगों की गिरफ्तारी की है जो कॉल सेंटर से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर ठगी किया करते थे। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या जानकारी दी है। कलवा पुलिस स्टेशन में विलास निवासकर ये कंप्लेंट आके उन्होंने एक कंप्लेंट दिया था हमारे पास कि उनको एक फ़ोन आया था और वो फ़ोन से उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला था। उन्होंने उनके बोल बच्चन को ये करके 2,16,000 रुपये उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनके ख्याल में आया कि अपना इन्वेस्टमेंट कुछ तो रॉन्ग हुआ है, और उसके बाद वो फ़ोन भी बंद हुआ और कांटेक्ट भी बंद होने के बाद वो हमारे कलवा पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया था। उस कंप्लेंट में हमने फिर उनका कंप्लेंट लेके वो नंबर पे हमारी डिटेक्शन ब्रांच के पुलिस सब इंस्पेक्टर पाटिल और उनकी टीम उन्होंने CDR निकाल के टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके सब उसका जो डाटा है वो कंटिन्यू फॉलो किया और नंबर का लोके डिटेल लेके इंदौर में ट्रेस होने के बाद उधर कैंपिंग करके ये तो शर्मा और चौहान को पिकअप करने के बाद एक बड़ा कॉल सेंटर चल रहा है ऐसा ख्याल में आया। इनसे अभी सब ये 59 हार्ड डिस्क जब्त किया है और 26 खाचा जो फ़ोन टेलीफोन है जो नंबर हमेशा चेंज करते वो बरामद किया है। ये अभी बेसिक अभी इन्वेस्टिगेशन में हमने 51 लोगों को कॉल किए और उन्होंने अभी तक उनका नियर बाय 1 करोड़ के आसपास अमाउंट हमारे इन्वेस्टिगेशन में नजर में आए। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को छापेमारी कर कॉल सेंटर से गिरफ्तार कर लिया है। 61 हार्ड डिस्क और 26 टेलीफोन मोबाइल इनके पास से बरामद किया गया है। आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी मिली थी, मगर मामले की आगे की जांच करने के लिए री कस्टडी मांगी गई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।